सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो माय लवली फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रॉय नॉलेज चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। तो हम लोग सब करेक्टरिस्टिक क्यों जानना चाहिए, हम लोग को करेक्टरिस्टिक इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो मोटर का जो परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग सब अच्छे से जज कर पाए। तो बेसिकली हम लोग सब इसको तीन टाइप के करेक्टरिस्टिक में बांटते हैं। सबसे पहला इसमें आ जाता है हमारे पास टॉर्क एंड आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक, और इसको हम लोग सब बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक भी। दूसरा में हम लोग सब आ जाते हैं, और दूसरे में को हम लोग सब बोलते हैं स्पीड एंड आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक, और तीसरा हमारे पास आ जाता है स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक, और इसको हम लोग सब मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ मैं गायब भी हो जाता हूँ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज मोटर में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब देखते हैं कि क्या होता है टॉर्क एंड आर्मेचर करेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग सब टी डिनोट करते हैं टॉर्क को, और आईएल से हम लोग सब डिनोट कर देते हैं भाई आर्मेचर करंट को। तो हमको क्या पता है भाई, सबसे पहला चीज़ हमें ये पता है कि हमारा जो एन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, ईवी के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स के, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोग सब ये जानते हैं कि हमारा जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, फ्लक्स के, ठीक है, और आर्मेचर करंट पे। आपको ये चीज़ अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग सब सिंपली आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको एक पूरा वीडियो लेक्चर इसके ऊपर मिल जाएगा। एक में हम मैंने डिराइव करके बताया है क्या होता है हमारा टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, और एक में मैंने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, दोनों मैंने कवर अप कर दिया है, आप लोग सब जाकर के देख सकते हो डिटेल में अगर आपको जानना है। तो ये दोनों चीज़ हमें पता है भाई, क्या कि हमारा जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ईवी के। ईवी क्या हो गया हमारा भाई, हमारा हो गया बैक ईएमएफ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। उसी तरह से हमारा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, फ्लक्स के साथ, और उसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्मेचर करंट के। अब सीरीज मोटर में क्या होता है कि हमारा जो फील्ड लगा हुआ रहता है वो किसके साथ सीरीज में लगा हुआ रहता है, आर्मेचर के साथ। तो हमारा जो करंट होगा वो दोनों सेम होगा, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, आई ए इज इक्वल्स टू हमारा फील्ड करंट होगा। तो अब इससे हमको ये वाला इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भाई, हमारा ये देखो, ये जो हमारा जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है हमारा फील्ड करंट। जितना करंट फील्ड में जा रहा है उसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मींस हमारे पास यहाँ पर अगर आप इसको आईएफ से डिनोट कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे तो आईएफ हो जाएगा, फिर उसको आईए से रिप्लेस कर दोगे तो फिर वो हो जाएगा हमारा आईए मल्टीप्लाइड बाई आईए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आईए का स्क्वायर, ठीक है। बस आपको याद रखने की बात ये है कि जो हमारा जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के साथ, अप टू किस लेवल तक, सैचुरेशन पॉइंट तक। इसलिए हमारे पास जो कर्व आएगा वो किस तरह का कर्व होगा भाई, पाराबोला टाइप होगा, ठीक है, और वो कब तक होगा, अप टू द पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर आफ्टर इट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई ए, एंड हेंस आपका आई ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। दैट मीन्स हमारे पास ग्राफ क्या बनने वाला है भाई, हमारे पास ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो गया टॉर्क, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास आर्मेचर करंट। तो हमको क्या पता चला भाई इससे, हमको ये पता चला कि सीरीज मोटर के पास वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और इसलिए हम लोग सब इसका यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, जैसे कि हमारे पास हॉइस्ट हो गया और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गया, समझे बात को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा सीरीज मोटर्स में ही, उसमें हम लोग सब जानेंगे क्या होता है हमारा स्पीड एंड आर्मेचर करंट का करेक्टरिस्टिक। मोटर का स्पीड को हम लोग सब डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, और एन क्या हो जाता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है भाई, वी ईवी के, और तो वो क्या हो जाता है, वी माइनस आई ए, और ये फिर हो जाता है आर ए प्लस आर एस ई, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा हमारा, फ्लक्स के साथ, ठीक है। आपको ये डिटेल में जानना है तो सिंपली फिर आई से बटन पे क्लिक कीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ डीसी मोटर का इक्वेशन को अच्छे से
डिराइव करके दिखाया है, तो उसको जा करके देख लीजिए, समझे। तो आपको अब क्या करना है कि भाई हमको क्या पता है। अब सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास आई ए का वैल्यू बहुत छोटा है, तो हमारा ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गया भाई, हमारे पास इक्वेशन बच गया यहाँ पर सिंपली क्या, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डिवाइडेड बाई फ्लक्स, समझे बात को, ठीक है। और चूंकि हमको ये पता है कि जो हम लोग सब जो V डालेंगे सर्किट में, जो V डाल रहे हैं, ये हमारा क्या है भाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको तो हम लोग सब चेंज कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, अब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा फ्लक्स के साथ। अब हमको तो ये पता है कि जो हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है भाई, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें, उसके कारण हो रहा है। तो हमारा जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/IA, क्योंकि हमारा जो फील्ड करंट है वो इक्वल्स टू किसके है भाई, हमारा आर्मेचर करंट के इक्वल है। तो हमारे पास ग्राफ क्या बन के आएगा, तो हमारा ग्राफ हो जाएगा सबसे पहले तो ये हो गया हमारा आर्मेचर करंट IA, और ये हो गया हमारा N, और ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, समझे। तो इसलिए हम लोग सब ये जान लीजिए कि हमारा जो सीरीज मोटर है उसको कभी भी हम लोग सब अनलोडेड कंडीशन में स्टार्ट नहीं करते हैं। अनलोडेड कंडीशन में स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, कि हमारा जो लोड करंट है वो क्या होता है भाई, बहुत ही स्मॉल रहेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा मोटर का स्पीड होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो इससे क्या होगा भाई, हमारा मोटर है वो बहुत ही तेज़ी से मतलब डेंजरस हो जाएगा, वो डेंजरसली वेरी हाई स्पीड पे वो रन करेगा, और वो क्या करेगा भाई, वो हमारा मोटर को डैमेज कर सकता है ड्यू टू लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो हमारा मोटर को बर्बाद कर सकता है, ठीक है, समझे बात को। अब चलिए हम लोग सब तीसरे में बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सब सीखेंगे क्या होता है स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा भाई, हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है अप टू, अब देखिए इसमें फॉर सीरीज मोटर क्या होगा भाई, अप टू कब तक, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। और ये कौन सा सैचुरेशन भाई, मैग्नेटिक, ठीक है। वो क्या रहेगा भाई, वो हमारा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और साथ ही साथ हमारा फ्लक्स, और फिर और ये साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये जो हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो आई ए का साथ, और ये टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो जाएगा, हमारा आई ए स्क्वायर के साथ, समझे, अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो। तो आफ्टर मैग्नेटिक सेचुरेशन ऑफ द पोल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई ए, ठीक है। सिंस क्या हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो हमारे पास देयर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, स्पीड वर्सेस टॉर्क इज आइडेंटिकल विथ किसके साथ, हमारा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, जो हमारा आर्मेचर करंट में जो हमारे पास जो बना था आर्मेचर करंट और स्पीड का जो कैरेक्टरिस्टिक बना था, वही हमारे पास सेम ग्राफ हमारा इसमें भी प्लॉट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा मोटर का स्पीड बहुत ही हाई रहेगा तो हमारा टॉर्क क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल, और वाइस वर्सा वी कैन से, इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, इधर हो गया हमारे पास स्पीड और इधर हो गया हमारे पास टॉर्क। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट मोटर्स में। शंट मोटर्स में हम लोग सब सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है हमारे पास टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास क्या होता है भाई, आई एस एच जो हमारा शंट में का जो करंट जा रहा है वो किसके इक्वल होता है, वी डिवाइडेड बाई आर एस एच, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी इज कॉन्स्टेंट आई एस एच विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फ्लक्स इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट, समझे बात को। तो हमारा इसमें क्या होता है भाई, फ्लक्स जो है वो किसके तरह हम लोग सब ट्रीट करते हैं, कॉन्स्टेंट की तरह, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या देखने वाली बात है कि हमारे पास एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाता है उस फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो अब फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या हो गया भाई, हमारे पास हो गया वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। तो हमारे पास जब ग्राफ बनेगा इसका, तो सिंपली क्या बनना चाहिए भाई, स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
अब चूंकि यहां पर माइनस साइन के साथ आई ए आ रहे हैं तो ये हल्का सा क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा बस, समझे बात को। तो ये हो गया हमारे पास क्या, स्पीड, जिसको हम लोग सब एन से डिनोट करते हैं, और ये हो गया हमारे पास आर्मेचर करंट, जिसको हम लोग सब आई ए से डिनोट करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या होता है हमारा टॉर्क आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक। अब हमको तो क्या पता चल गया भाई, हमको तो ये पता चल गया कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है, और हमारा जो ये फाई है ये कांस्टेंट हो गया, तो हमारा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जस्ट आई ए। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास ग्राफ बनने वाला है सिंपली कुछ, कॉन्स्टेंट है तो ये सीधा चलते जाएगा, बट ड्यू टू सम सेचुरेशन पॉइंट अब ये कुछ हल्का सा ऐसे करके टिल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क टी, और ये हो गया हमारे पास आर्मेचर करंट आइए, समझे बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पास तीसरा जो है हमारा स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक। अब ये स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक जो है डिराइव होता है वो दोनों फर्स्ट टू जो हम लोग सब जाने उसी से होता है सिंपली भाई। ठीक है, जब व्हेन लोड टॉर्क इंक्रीजेस आर्मेचर करंट आई ए इंक्रीजेस बट स्पीड डिक्रीजेस स्लाइटली, यही है बस इसका सिंपल सा फंडा। और उसके साथ क्या हो जाता है भाई, स्पीड डिक्रीजेस स्लाइटली एज हम लोग सब जैसे इस फिगर में हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास एन, और ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टॉर्क हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा स्पीड कम हो जाता है, आप उसको वाइस वर्सा भी ले सकते हो, जैसे जैसे हमारा टॉर्क घटता है वैसे वैसे हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाता है। चलिए अब हम लोग सब तीसरा मोटर के बारे में जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर्स के बारे में। इसमें भी हमारे पास तीन तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो सिंपली मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसके बारे में उतना विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहला हमारे पास हो जाता है क्या, हमारे पास सबसे पहला हो गया टॉर्क, ठीक है, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें सिंपली ये चीज़ है कि जैसे जैसे हमारा क्या, इसमें क्या होता है भाई कि ये जो हमारा जो टॉर्क है ठीक है और आर्मेचर करंट है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एक तरह से लीनियर होता है। ठीक है, बट ये आफ्टर कुछ टाइम सेचुरेशन पॉइंट जाने के बाद कुछ इस तरह से कर्व आ जाता है इसमें, समझे बात को। अब दूसरा में आते हैं हम लोग सब, जो है जो कि है हमारा क्या, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें क्या है भाई कि हमारा जो स्पीड है और जो हमारा करंट है आर्मेचर करंट, जब जब हमारा मोटर क्या रहता है भाई, जब हमारा मोटर में जब करंट जब बहुत जीरो जीरो के आसपास होता है तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे 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 इसका वैल्यू क्या डिक्रीज होने लगता है कुछ इस तरह से, समझे बात को। ये हो गया हमारा बेस लाइन। ठीक है, उसी तरह से हम आते हैं हमारा क्या टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पे, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पे जब हम लोग सब आते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि अगर ये बेस लाइन है ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या एन, जो हो गया हमारा स्पीड, और ये हो गया हमारा क्या तो हमारा ग्राफ कुछ कैसा बनता है भाई, पहले तो ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आफ्टर तुरंत ही जैसे ही हमारा टॉर्क बढ़ना शुरू होता है वैसे ही इसका स्पीड बहुत तेजी से घटता है, और उसके बाद फिर क्या होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, समझे बात को। चलिए अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग सब जान लेते हैं क्या होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग सब देखते हैं तो टॉर्क ये हो गया और ये हो गया हमारे पास आर्मेचर करंट, इसका भी लीनियर होता है, बट इसमें क्या है जस्ट अपोजिट है कंपाउंड के। कंपाउंड में क्या था कि आप लोग सब गौर कीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से ग्राफ जो है इसको ग्राफ कुछ स्ट्रेट गया ठीक है, और उसके बाद इस तरह से कर्व ऊपर की ओर बना लिया, इसमें क्या होता है डाउनवर्ड बनाता है, दैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क जो है उतना स्पीडली इंक्रीज नहीं करता है, जैसे इसमें मैं बना के आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या हुआ कि सेम बढ़ा तो सेम, लेकिन आफ्टर ए सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद वो क्या हो जाएगा भाई, वो बेस लाइन के इस तरफ से ऐसे करके मुड़ जाएगा, समझे बात को। तो फिर से अब हम लोग सब आते हैं दूसरा क्या, स्पीड आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, स्पीड आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक में भी उल्टा जस्ट रिवर्स होता है मिरर इमेज। ठीक है, इसमें पहले
इससे पहले वाले में जब हम लोग सब ये कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर्स में देख रहे थे, तो उसमें हम लोग सब देखे कि ये नीचे की ओर शिफ्ट किया, और इसमें अब क्या होगा कि भाई कि हमारा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर की ओर आएगा ऐसे करके ग्राफ, और ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ये हो गया एन, और ये हो गया आपके पास क्या आई ए। सिमिलरली इसमें भी कुछ जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन में भी सिमिलरली कुछ उसी तरह से होगा। ये हो जाएगा हमारे पास एन, और टॉर्क करेक्टरिस्टिक है ठीक है, और ये हमारा बेस लाइन ठीक है, और ये भी कुछ हमारा ऊपर की ओर कुछ ऐसे करके चला जाएगा, समझे। ये हो गया आपका एन, ये हो गया आपका टी। तो बेसिकली आपको कंपाउंड मोटर्स के बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है क्या है, बस आप एक बार ग्राफ देख लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बस ग्राफ का इंपॉर्टेंस है कि क्या क्या सीन हो रहा है एक्चुअली कंपाउंड मोटर्स में। तो कैसा लगा सारा चीज़ों को जान करके? मैंने बहुत अच्छे से सारा चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आए होंगे। मैंने सिक्वेंशियल वे में समझाया है, मैंने पहले आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको EMF इक्वेशन डिराइव करके दिखाया, टॉर्क इक्वेशन डिराइव करके दिखाया, कितने टाइप्स ऑफ DC मोटर्स होते हैं उनको बताया, विथ इक्वेशन बताया है। आप अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने इससे पहले वो सारे वीडियो को देख रखा हो, ताकि मतलब इस वीडियो को अच्छे से समझ में आने का ये कंडीशन है कि आपने इससे पहले सारे वीडियो को देख रखा हो, समझे बात को। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर इस वीडियो के साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं, तो एक लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ आप अगर इस चैनल में नए हैं, तो आपको एक सब्सक्राइब बटन नीचे की ओर दिख रहा होगा, उसको प्लीज़ दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।